मैं सबसे कहता हूं कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। मेरा यही संदेश है सबसे कि अगर मेरे जैसा आदमी जो 10 साल पहले आन नहीं कर पाता था कंप्यूटर, अगर उसको नेशनल आईसीटी अवार्ड मिल सकता है तो आप लोग वर्तमान में इतने ज्यादा कैपेबल हैं, आप सबको मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोशाला फाउंडेशन के डिजिटल टीचर की कहानी के पांचवें एपिसोड में। मैं शैलेश और आज हम मिलने जा रहे हैं आशुतोष आनंद सर से, जो उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव मियागंज के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक पर कार्यरत है। और आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन में या शिक्षा की प्रणाली में कैसे अपना योगदान दिया। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार। तो सर हम ये जानना चाहेंगे, सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा किस तरीके से रही या आपकी पृष्ठभूमि कैसी रही, इसके बारे में आप अगर कुछ बताना चाहे तो। मैं गांव का निवासी हूँ, गांव का छात्र था, तो गांव के ही विद्यालय में पढ़ाई हुई और पृष्ठभूमि साधारण पृष्ठभूमि थी परिवार की, तो ग्रामीण परिवेश में पढ़ा। फिर आगे हाई स्कूल करने के बाद, इंटरमीडिएट करने के बाद फिर अयोध्या है हमारे यहाँ, अयोध्या में कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय से मैंने परास्नातक किया रसायन विज्ञान से, फिर बीएड किया और टीचर बनना था तो इसलिए मैंने बीएड किया और प्रयास करता रहा तो टीचर बन सका। जी जी सर, बहुत सुंदर। और सर जैसा कि हमने आपकी वीडियो भी देखी कि किस तरीके से आपको नेशनल अवार्ड मिला, तो मेरा बस ये रहा है कि ऐसी कौन सी चीजें रही जो आपको लगा कि बच्चों के अंदर तकनीकी से जोड़ने में आपको प्रेरणा देती रही। हाँ, बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है, तकनीक को देखकर तकनीक का प्रयोग करने से बच्चों में जिज्ञासा बढ़ती। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चे देख नहीं पाते, जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी दिखाना या सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना दिखाना, तो हम कैसे दिखाएंगे। वहां पर हमारा आईसीटी का प्रयोग होता है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, इन्फॉर्मेशन हमको देनी होती है बच्चों को, कम्युनिकेट करना होता है और वहां पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, तो उसी को शॉर्ट में आईसीटी कहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या, बच्चे जिज्ञासा बच्चों में उत्पन्न होती है और बच्चे सीख, जब बच्चे जिज्ञास हो जाते हैं तो बहुत आसानी से सीखते हैं। जी 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 सर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपके दैनिक जीवन में आपने किन चीजों का इस्तेमाल किया जो बच्चों को इन इन, इन सारी चीजों से जोड़े रखी। देखिए, सबसे पहले तो मैंने रेडियो का प्रयोग किया। जी, रेडियो रेडियो सबसे बढ़िया टूल है, आईसीटी टूल है, रेडियो का प्रयोग किया। उसके बाद रेडियो के बाद मैंने मोबाइल का प्रयोग करना चालू किया, फिर मेरे विद्यालय में डेस्कटॉप आ गया। डेस्कटॉप में मैंने क्या किया कि यूट्यूब का, उस समय शुरुआत में यूट्यूब ही उपलब्ध था, यूट्यूब से अपने कंटेंट जो ई कंटेंट थे वो कलेक्ट किए, बच्चों के सामने प्रस्तुत करना शुरू किया। मोबाइल भी पहले उतने अच्छे नहीं थे, तो मोबाइल की स्क्रीन रेजुलेशन बढ़ाने के लिए मैंने जो है एक इनलार्जर लिया। इनलार्जर से उससे क्या होगा, कुछ स्क्रीन की साइज बढ़ गई, बच्चे सीखने लगे। फिर मैंने स्पीकर खरीदा स्कूल के लिए, तो मोबाइल से स्पीकर को जोड़ने लगा, मोबाइल से ई कंटेंट दिखाने लगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, मोबाइल की स्क्रीन छोटी है, अब प्रोजेक्टर लेना होगा, तो एक प्रोजेक्टर लिया। फिर एक प्रोजेक्टर मुझे एक दानवीर थे, उन्होंने दान भी दे दिया। और फिर मैंने अपने विद्यालय में एंड्रॉयड टीवी भी लगवा ली। एंड्रॉयड टीवी सबसे बढ़िया, इस समय क्या है, आप कोई भी कंटेंट है आप डायरेक्ट उसमें कर सकते हैं और बहुत हैंडी होती है, बहुत सस्ती भी है, तो इस समय विद्यालय में सारे लगभग संसाधन उपलब्ध है मेरे। ये तो रेडियो से लेकर प्रोजेक्टर तक मैंने यात्रा की। आपको क्या लगा कि टेक्नोलॉजी से जुड़ने के पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा? टेक्नोलॉजी से जुड़ने का मेरा उद्देश्य यही रहा कि सबसे बड़ी बात है, मेरे यहाँ स्टाफ भी कम था, तो बच्चों को इन्वॉल्व रखने के लिए टेक्नोलॉजी का कोई विकल्प ही नहीं, टेक्नोलॉजी ही एकमात्र विकल्प बन जाता। प्रार्थना से लेकर और छुट्टी तक हर जगह टेक्नोलॉजी का प्रयोग है। भाई, बच्चों को प्रार्थना सिखानी है तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लेंगे, बच्चों को उनका उच्चारण, स्वर है ना, गायन, ये सब हम लोग सिखा सकते हैं। उसके बाद पीटी कैसे, लास्ट में पीटी करना है, पीटी कैसे सिखाएंगे, योगा कैसे सिखाएंगे। मान लीजिए मुझको योगा नहीं आता, वास्तव में मुझे योगा नहीं आता, लेकिन मेरे विद्यालय के बच्चे योगा बढ़िया करते हैं। कैसे करते हैं, उनको ई कंटेंट
सामग्री कराए गए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। क्राफ्ट वर्क है, क्राफ्ट वर्क में बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। तो शुरू से लेकर विद्यालय खुलने से और बंद होने तक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में जैसे कोविड पीरियड चल रहा है तो इस समय टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग है। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं बच्चों के, दीक्षा पोर्टल के माध्यम से हम लोग उनको पढ़ा रहे हैं, ई कंटेंट हमारे यहाँ मिशन प्रेरणा के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है उनको। तो बच्चों को इस समय टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर रही है जी। आपको सबसे पहले किन समस्याओं से जूझना पड़ा, क्योंकि टेक्निकल जरूरी नहीं है कि हर किसी को इतनी आसानी से समझ में आ जाए, तो आपको किन समस्याओं से जूझना पड़ा? मैं आपको बता दूं, 10 साल पहले मुझे कंप्यूटर खोलना भी नहीं आता था, ऑन करना भी नहीं आता था। तो मेरे विद्यालय में जैसे कंप्यूटर आया तो सबसे पहला काम ये हुआ कि मैंने अपने गांव के उसी गांव के एक नए लड़के को बुलाया, कहा भैया इसको खोलना बता दो। तो मैं और मेरे विद्यालय के बच्चे सब जुट गए, तो हम लोगों ने बिगिनिंग से शुरुआत की। जब आप कोई चीज शुरू से शुरुआत करते हो तो वो समझ में भी आती है, इफेक्टिव भी ज्यादा होती। तो आप देख ही रहे हैं मेरे चैनल में बच्चे आपको दिखाई देते हैं, बच्चे कंप्यूटर चला लेते हैं, बच्चे कंटेंट डेवलप कर लेते हैं, मैंने भी बहुत कुछ उसमें सीख लिया। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रही जी। जी बहुत ही मतलब हाँ कि ये आपने सही बोला कि 10 साल पहले बिल्कुल कंप्यूटर का जमाने नहीं था, और जब आपने पहला इंटरफेस किया होगा तो मैं फील कर सकता हूँ कि आप एक आपको कैसा महसूस हुआ होगा उस समय। तो सर अगर मैं पूछना चाहूँ, ये मेरा अंदर से मेरे को ऐसा जिज्ञासा आ रहा है कि आपने किन किन तकनीकों का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाया है, ऐसा कुछ अगर आप एक दो बता पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने एनिमेशन भी बनाने चालू कर दिए, मैंने सीख लिया एनिमेशन बनाना सीखा, और आज बच्चों को मैं मैथ्स के और साइंस के एनिमेशन भी अपने बनाए हुए उनको प्रस्तुत करता हूँ और उनको सिखाता भी हूँ। तो जब बच्चे खुद ही बनाते हैं, कोई मान लीजिए एक रोबो कंपास सॉफ्टवेयर है, रोबो कंपास सॉफ्टवेयर से उसमें क्या होता है ज्योमेट्रिकल जितने कंस्ट्रक्शन वो आप तैयार कर सकते हैं। तो उनको मालूम, जैसे एक बना लिया, एक बच्चे ने चाप लगा लिया, एक बच्चे ने रेखा खंड किया है ना, एक बच्चे ने कोई स्क्वायर बना लिया, और वो ऐसा सॉफ्टवेयर है उससे हर स्टेप पर आपको जानकारी भी देता है कि इस स्टेप पर आपको ये करना है। जियोजेब्रा है गणित का, फिट सिमुलेशन है, H5P क्विजेस तैयार की है ना, और गूगल फॉर्म पर भी क्विजेस तैयार की, कहूट क्विजेस तैयार की। मुझको कुछ भी नहीं मालूम था, मैं आपसे सीधे बता रहा हूँ, लेकिन मैंने सीखा और दूसरों के साथ शेयर भी किया जी। जी सर बहुत ही मतलब आपके अंदर वो एंथुजियाज्म जो है, जिज्ञासा पूरी तरीके से नजर आती है कि कुछ नहीं से आपने कितना कुछ सीखा जी सर। तो यही सवाल कि बच्चों को क्या मदद मिलती है टेक्नोलॉजी से? हाँ, वर्तमान समय में तो कोविड पीरियड चल रहा है, इस समय विद्यालय खुले नहीं है। तो हम लोग, हमारे यूपी में एक मिशन प्रेरणा चल रहा है, तो उसमें हुआ क्या कि वहां से ई कंटेंट सप्लाई किए जाते हैं ऑनलाइन, उनको ब्लॉक स्तर पर भेजा जाता है। ब्लॉक स्तर से हम लोग संकुल बना रखे हैं, हम लोगों ने संकुल में भेजते हैं, संकुल शिक्षक जो है अपने साथी शिक्षकों को भेजते हैं। तो एक चैनल बन चुका है और उसमें ऑनलाइन कंटेंट और उसके बाद प्रिंटेड मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाता है। तो वर्तमान समय में बच्चों को बहुत लाभ हो रहा है। वैसे जब विद्यालय खुल जाते हैं तब भी बच्चों को लाभ होता है। मैंने आपको पहले बताया, जो जो कंसेप्ट उनको समझ में नहीं आते, जो उनके स्थानीय परिवेश में वस्तुएं उपलब्ध नहीं, उनके बारे में बहुत आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं जी। तो इसी से मतलब जुड़ता हुआ एक सवाल कि आपके पढ़ाए हुए बच्चों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ अगर हुआ है तो अगर आप एक दो उदाहरण हमें बताएं तो शायद मुझे ज्यादा बेहतर होगा। मेरे विद्यालय के बच्चे हैं ऋषिकेश कुमार, दुर्गेश कुमार और गुलशन, वो MHRD ने, वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपने पोर्टल पर स्थान दिया है विद्यादान 2। बहुत ही यही उपलब्धि है हम लोगों की। और सबसे बड़ी उपलब्धि गाँव के बच्चे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा एंड्रॉइड फोन नहीं है, बहुत ज्यादा संसाधन नहीं, लेकिन वो उत्साही हैं। और उन बच्चों के माता पिता को जब दिखा कि अरे उनका उनके बच्चे का यहाँ पर यहाँ तक पहुंच गया उनके बच्चे, तो बहुत उत्साहित हुए। तो उपलब्धि यही है, उनकी भी उपलब्धि है, मेरी भी उपलब्धि है कि मेरे बच्चे MHRD या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पोर्टल पर उपलब्ध है। काफी बढ़िया लगा मेरे को कि सर आपका एक ये भी पता चला कि आपका एक सरकारी स्कूल के नाम यूट्यूब चैनल भी है सरकारी स्कूल के नाम से, तो इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा जानना चाहूँ, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ आपका एक ही वीडियो देखा है, तो
तो अगर उस पर और किस तरीके के कंटेंट अवेलेबल है, अगर कोई वहां जाता है तो उसे क्या देखने को मिलता है, किस तरीके का आपका वीडियो का कंटेंट है, उसके बारे में अगर आप बताएं। देखिए सरकारी स्कूल चैनल में आप जैसे शुरुआत से अगर बढ़ेंगे तो आपको मेरी यात्रा आपको दिखाई देगी कि बिल्कुल एक रामायण ने जैसे काम चालू किया है ना, आपको सीधे सीधे पता चले। शुरुआत में बिल्कुल टेक्नोलॉजी का प्रयोग मैंने नहीं किया, शुरुआत में केवल अपने क्लासरूम एक्टिविटीज मैंने शेयर की है और धीरे धीरे लास्ट तक बढ़ते बढ़ते मैंने टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग किया है। तो आपको पूरा पूरा आपको परंपरागत शिक्षण और टेक्नोलॉजी युक्त शिक्षण दोनों के बारे में आपको जानकारी मेरे उससे प्राप्त हो सकती है। और बहुत सारे जो जो चीज मैंने सीखी, मैंने जो जो चीज मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कोई जन्मजात ज्ञाता नहीं हूँ, मैंने चीजें सीखी हैं और हो सकता है कि अपने आप को रिकॉल करने के लिए, अपनी याददाश्त के लिए मैंने उसको यूट्यूब पर शेयर किया हो, ये भी संभव है क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, तो शेयर करना भी बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छा लगता है जब आपने देखा और संज्ञान में लिया। तो अभी मेरे व्यूवर्स उतने ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन जो भी हैं वो सीखने के लिए मेरे चैनल पर सीखते हैं। मैं सबसे कहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। मेरा यही संदेश है सबसे कि अगर मेरे जैसा आदमी जो 10 साल पहले आन नहीं कर पाता था कंप्यूटर, अगर उसको नेशनल आईसीटी अवार्ड मिल सकता है तो आप लोग वर्तमान में इतने ज्यादा कैपेबल हैं, आप सबको मिल सकता है। जी 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 बिल्कुल। हम जनरली देखते हैं कि बच्चों के साथ काम करना थोड़ा कठिन है, और अगर हम बड़ों की बात करें तो छोटे बच्चों के साथ टेक्नोलॉजी में काम करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग हमें इस सेंस में कर रहे हैं कि कौन सा कंटेंट उन तक पहुंचना चाहिए। कंटेंट फिल्टर्ड होना चाहिए, 10 बार देखकर उनके पास कंटेंट पहुंचाया जाए, डायरेक्ट यूट्यूब चैनल का प्रयोग बिल्कुल ना किया जाए, मेरा जैसे अनुभव रहा है, क्योंकि डायरेक्ट यूट्यूब चैनल का जैसे ही आप प्रयोग करें कई अवांछित जो है तत्व, अवांछित ई कंटेंट उपलब्ध, कंटेंट उपलब्ध हो जाए, ई कंटेंट नहीं कंटेंट उसमें उपलब्ध हो सकते हैं, बच्चे कुछ गैर जरूरी चीजें भी देख सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा हो कि पोर्टल्स का प्रयोग किया जाए, मतलब जहां पर केवल फिल्टर्ड चीजें सामग्री उपलब्ध हो, केवल ई कंटेंट ही उपलब्ध हो, शैक्षिक सामग्री उपलब्ध हो, अन्य कोई कंटेंट ना उपलब्ध हो। तो अध्यापकों से यही निवेदन है, कई ऐसे सारे पोर्टल्स हैं जैसे एनसीईआरटी का एनआरओईआर है, या आपके एससीईआरटी की वेबसाइट है, या दीक्षा है, दीक्षा वर्तमान में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप सब लोग जानते हैं, तो दीक्षा का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और अगर बहुत जरूरी हो यूट्यूब का प्रयोग करना है तो पहले यूट्यूब से डाउनलोड करके ही कोई चीज बच्चों के सामने, लाइसेंसिंग को संज्ञान में लेते हुए, कौन सी लाइसेंसिंग है, क्या वो सबके लिए अवेलेबल है, उसको संज्ञान में लेते हुए बच्चों को प्रस्तुत करना चाहिए। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने आज के एपिसोड में देखा कि कैसे आशुतोष आनंद सर ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शिक्षा के क्षेत्र में अपना अग्रसर दिया, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही कहानियों को और सुनने के लिए टेक्नोशाला के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी से जुड़ी अगर कोई कहानी हो तो प्लीज हमें ईमेल करके बताइए। तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं अगले एपिसोड में 2 बजे शनिवार को। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।